हाय स्टूडेंट्स, लर्न किया आप लोग? पर्यायवाची शब्द सबसे पहले तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा आप लोग बता सकते हो? हाँ, किस यस किस को मैम। पर्यायवाची किस किस को पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लर्न है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, हैंड्स डाउन। प्रत्यक्षा राय, प्रत्यक्षा राय। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? प्रत्यक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। वेरी गुड। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अच्छा प्रत्यक्षा, ये बताइए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कपड़ा का कम से कम दो बता दीजिए। वस्त्र चीर, वेरी गुड। राजा का? राजन, नृप। 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 और आकाश का? आकाश। आसमान, वेरी गुड। और गगन। गगन। बेटी का? मैम बेटी, बेटी। कोई तनया, हेल्प कर रहा है बेटा? नो मैम। कोई तो पुत्री, हेल्प। तनया, पुत्री, सुता। और पृथ्वी का धरती, बताइए। पृथ्वी। हाँ, धरती भूमि। धरती, भूमि। गुड, वेरी गुड प्रत्यक्षा। वैष्णवी सिंह, वैष्णवी, वैष्णवी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? सूर्यांशु राजभर, सूर्यांशु, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सूर्यांशु, सूर्यांशु। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? कम से कम दो या तीन बताइए। सलीला, सलील, आप पढ़ के बता सलीला। रहे हो ना, लर्न नहीं किए हो ना सूर्यांशु? आप लर्न नहीं किए हो ना? मैम याद हुआ है, सलीला। नहीं, आप तो पढ़ के बता रहे हो। हाँ, सरिता, शैलजा। सरिता भी होता है, शैलजा भी होता है, प्रवाहिनी भी होता है। आप पढ़ के बता रहे हो ना? अच्छा ये बता सूर्यांशु, देश, देश का पर्यायवाची? राष्ट्र, वतन, पहले तो अपनी बुक क्लोज करो सूर्यांशु, क्लोज योर बुक। मुल्क। यस मैम। घर का पर्यायवाची बताइए। घर। घर का गृह, आश्रय। राजा? नृप, निर्प या नृप? नृप, निर्प नहीं बेटा, अनृप। नृप, नृप। हाँ, नृप, भू, नरेश। नृपति, सूर्यांशु, बुक यस मैम, क्लोज है आपकी? यस मैम, दिखाओ जरा,
ऊपर रखो, ऊपर रख के हमको बताओ। मैम बुक क्लोज है। ऊपर रखो, वैसे ही रखे रहो। और बताओ मुझे अतिथि, अतिथि का समानार्थी शब्द बताओ। अतिथि को और किस किस नाम से? अतिथि, हाँ अतिथि का मतलब अतिथि, पाहुन, और हाँ क्या पाहुन? पाहुन और हाँ। और मेहमान। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ बेटा, आग, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग का अग्नि, पावक, वेरी आग गुड। अग्नि। वेरी गुड बेटा। सूर्यांशु, ओके वेरी गुड। वैष्णवी सिंह, वैष्णवी सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। वैष्णवी, वैष्णवी सिंह। यस हाँ बेटा बताइए, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वैष्णवी, मैम, आपका आवाज साफ साफ नहीं आ रहा है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, सारे बच्चे सुन पा रहे हैं। आपके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा बेटा। वैष्णवी, यस मैम। हाँ आप बताइए, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वैष्णवी, ओके। दीपिका, दीपिका अनम्यूट सल बेटा। दीपिका, यस मैम। बता बेटा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? दीपिका, मैम समान। यस मैम। हाँ बताओ बेटा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? मैम समान अर्थ को प्रकट करने वाले को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आकाश का समानार्थी शब्द बताइए मुझे। आकाश, आकाश, गगन, योम, आसमान। वेरी गुड। ये आग का पर्यायवाची क्या होगा? आग, अग्नि, अनल, पावक। आग। अच्छा चलो, आग का बता रही हो, आग बता बेटा। आग, आँख, आँख। मैम लोचन नेत्र, नयन, लोचन। नयन। मैम नेत्र लोचन नयन। वेरी गुड। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? बादल, दीपिका, दीपिका। मैम हाँ बताओ बेटा, बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द? दीपिका, अंशिक, अनुष्का, अनुष्का यादव, अनुष्का अनम्यूट यस सेल्फ मैम। बेटा। हाँ बताइए, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले समानार्थी कितने शब्दों से मिलकर बना है? कौन? समार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अर्थ, समान हाँ धन अर्थ। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को समार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का दूसरा नाम क्या है? पर्यावाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची। पर्या अच्छा बताओ बेटा, फूल, फूल का पर्यायवाची क्या क्या होगा? फूल, पुष्प, कमल, जलद। कमल। कमल नहीं जलद बेटा, नहीं, फूल। जलद भी नहीं, जलज, जलज। तो जलज फूल यस का नहीं मैम, होगा, कमल वो का, तो कमल का हो जाएगा। मैं फूल का पूछ रही हूँ बेटा, फूल। पुष्प, कमल।
कुसुम कुसुम पुष्प कुसुम सुमन प्रसून। आप जो बता रहे हो ना, आप कमल का बता रहे हो, जलज और पता नहीं क्या। अब ये बताओ बेटा, जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? हेलो अनुष्का। यस मैम। जंगल का बताइए। विपिन अरण्य। अरण्य वन। ओके पर्वत को बता सकती हो? पर्वत पर्वत पहाड़। हाँ गिरी शैल। हाँ भूधर। अच्छा ये बताइए पुस्तक, पुस्तक का क्या क्या होगा? पुस्तक पुस्तक किताब। पुस्तकार। नहीं नहीं वो तो पुस्तकालय अलग हो जाएगा बेटा। पुस्तक का क्या होगा? किताब हो सकता है, पोथी हो सकता है, ग्रंथ हो सकता है, पोथी पोथी। अब बताइए बेटा ईश्वर, ईश्वर को आप किस किस नाम से जानते हो? ईश्वर प्रभु भगवान परमात्मा। ईश हाँ गड ईश। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र पुत्र बेटा। बेटा और तनय। तनय हाँ। सूत तनुत। ओके अनुष्का वेरी गुड बेटा। आर्या त्रिपाठी। आर्या अनम्यूट योरसेल्फ। आर्या आर्या त्रिपाठी। हाँ आर्या बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, या जो शब्द जिनका अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये बताओ बेटा विश्व, विश्व का समानार्थी शब्द क्या होगा? दुनिया। जगत। जगत दुनिया। जगत जग। लोक संसार। जगत दुनिया लोक भी तो होता है ना। अब बताइए बेटा राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राजा। हाँ नृप। हाँ नृप। नृप और नृप, नृप के बाद क्या होगा? नरेश भूपति। हाँ बेटा किसी के यहाँ टेलीविजन चल रहा है, या तो वहां से हट जाइए या फिर टेलीविजन को ऑफ करिए या फिर खुद को म्यूट करिए। माता का बताओ बेटा। आर्या माता का बताओ। माँ अम्बा जननी। हाँ माँ अम्बा जननी माता। अब बताइए बेटा आंख का पर्यायवाची क्या होगा? आंख नेत्र। हाँ, हाँ, नयन लोचन। चंद्रमा का पर्यायवाची? चांद इंदु चंद्रमा। शशि मयंक। कमल का पर्यायवाची बताइए। कमल। आर्या। यस मैम। कमल का पर्यायवाची बताओ बेटा। कमल। कमल का, कमल कहाँ उत्पन्न होता है बताइए? जल में ना, तो जलज हो जाएगा कमल को हम। हाँ जलज और पंकज। पंकज और नीरज। नीरज जलज पंकज।
सरोज। अच्छा ये बताओ दिन, दिन का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? दिवस, वार, वासर। ओके गुड। नम्या सिंह, नम्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। नम्या? यस मैम। हाँ बेटा बताइए, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिनका अर्थ समान हो। हो गया, जिनका अर्थ समान हो उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। क्यों शॉर्ट मेथड अपना रही हो नम्या? ये बताइए पिता, पिता का समानार्थी शब्द क्या होगा? मैम जनक, बाप। बाप और पित्री। पिता पित्री। शरीर, शरीर का समानार्थी शब्द? बताइए शरीर। मैम शरीर का होगा। यस मैम। हाँ बताइए शरीर। काया, कलेवर, तन। बुक की हेल्प ली जा रही है नम्या? नम्या बुक, बुक का हेल्प लिया जा रहा है ना? नो मैम। बारिश, बारिश का पर्यायवाची बता सकते हो? बारिश मैम, बारिश, बारिश का। हाँ वर्षा। हाँ वर्षा। वर्षा, बरसात, मेघ, बरखा। बरखा भी तो कहते हैं ना, बरखा कहते हैं, वर्षा कहते हैं, मेघ कहते हैं, बरसात कहते हैं। अच्छा ये बताओ कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का वस्त्र। वस्त्र चीर। वसन पट। राजा का पर्यायवाची बताइए, राजा। मैम नृप, नृपति और नरेश। नंभू। नरेश। मैम मुझसे भी पूछिए। हाँ बेटा पूछूंगी, बस वेट करो। ये बताओ बिजली, बिजली का पर्यायवाची क्या होगा नम्या? मैम बिजली का मैम तड़ित, दामिनी, चंचला, चपला, विद्युत, तड़ित, दामिनी, जितना भी हो, चंचला भी हो सकता है, चपला भी हो सकता है, दामिनी, विद्युत। ओके नम्या गुड। लेकिन नम्या कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बुक का हेल्प लिया है। नम्या क्या मैं सही बोल रही हूँ? नो मैम। हाँ बेटा ईमानदारी के साथ आपने बताया नहीं है। नम्या नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने बुक का हेल्प लिया है? ओके अगर नहीं भी आप लर्न किए हो तो लर्न कर लो, ठीक है, ये लर्न करने वाली चीजें हैं। ओके दिव्यांशु, दिव्यांश सिंह, दिव्यांश। यस मैम। हाँ बताओ समानार्थी शब्द किसे कहते हैं दिव्यांश? ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, उस समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
अच्छा आप तो नम्या से भी बड़े वो ईमानदार हो, बुक का ही परिभाषा बता रहे हो। ये बताओ पर्यायवाची को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? हिंदी व्याकरण का बुक दिव्यांश पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? मैम ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। क्यों? पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द, ठीक है? समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द के अर्थ एक समान होते हैं उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ अर्थात वे शब्द जिनके अर्थ लगभग लगभग एक समान होते हैं उसे ही समानार्थी शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उसे ही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दिव्यांशु ये लर्न करने वाली चीजें हैं बेटा, पहले परिभाषा बता दो, बाकी चीज आपको लर्न करना है तब पूछूंगी मैं, पहले इसकी परिभाषा बताओ। अभी मैंने क्या बताया, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वो सब जिनका अर्थ समान सब समान रूप से होता है उसे समानार्थी शब्द है। जो शब्द जिनका अर्थ वो शब्द जिनका अर्थ लगभग लगभग एक समान होता है उसे ही समानार्थी शब्द कहते हैं। अब आप पर्यायवाची लर्न करो, मैंने होमवर्क किया सेंड किया है, लर्न करो, अगले दिन मैं आपसे पूछूंगी। दिव्यांशु या फिर अभी लर्न करो। हाँ मैम क्या बोल रही हैं? मैम आज भी इसका लिंक नहीं आया था, तो इसने पीयूष से कहा कि पीयूष जरा लिंक सेंड कर देना, उस दिन भी नहीं आया था मैम। तो ऐसा क्यों मैम, लिंक तो सबका एक साथ जाता है, अब हो सकता है नेटवर्क की वजह से ना। अभी लर्न करो दिव्यांश, लर्न करो, मैं अभी पूछूंगी। अमृत अनम्यूट सल बेटा, अमृत प्रताप सिंह, अमृत, आयुष कुमार सिंह, अमृत, आयुष, अनम्यूट सल, ऋत्विक गुप्ता, ऋत्विक अनम्यूट सेल, आदर्श कुमार, आंचल राजभर, आंचल, आदर्श कुमार अनम्यूट सेल बेटा। यस मैम। हाँ आदर्श, चलो बताओ बेटा समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? आदर्श। यस मैम। हाँ बताइए, आप कब से छुपे रुस्तम निकले? आप तो हमेशा ऑनलाइन रहते थे बेटा, क्या हुआ? आदर्श। यस मैम। आप कब से कायरपना दिखाने लगे आदर्श? स्टार्टिंग में तो आप सही थे, क्या हुआ, मन नहीं कर रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है आदर्श, या समझ नहीं आ रहा है? मैं तो इसको यही समझूंगी ना कि इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। मैम कल से वीडियो ऑन करेंगे। एज यू विश, आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ पढ़ने वाले बच्चे अगर इस प्रकार की लापरवाही करते हैं दिमाग जरूर जाता है, तो मेरी बातों को ध्यान देना, ठीक है? यस मैम। मेरी बातों को ध्यान देना, भले ही थोड़ा से मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन सोचना समझना फिर जैसा होता है रिप्लाई करना। बताओ समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो बच्चा पहले फर्स्ट या सेकंड में ही दिखता था, एक्साइटेड रहता था कि हम मुझसे पूछिए, आज के डेट में वो बच्चा छुप छुप के रह रहा है, तो ये गलत बात है। चलो बताओ समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? छिपने का रिजल्ट हो गया क्या आदर्श, नहीं पता है?
आदर्श? यस मैम। क्या हुआ, नहीं पता है ना? नो परिणाम निकल गया? मैं नहीं परिणाम निकालूंगा, आप खुद अपना परिणाम निकाल लो। जितनी ही चलो आप क्लास करो। यस मैम। क्या? यस मैम। आयुष कुमार सिंह, आयुष, ऋत्विक, देख लो ये सब वही वाले बच्चे हैं, उसी कैटेगरी के। अमृत प्रताप सिंह, रुको एक मिनट। अमृत प्रताप सिंह। यस मैम। अमृत बताओ बेटा, समराज सब किसे कहते हैं? जो सब समान हो, उसे कहते हैं। जो सब समान हो। यही बताया गया बेटा कि जो सब समान हो। वे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें ही समानार्थी शब्द कहते हैं। अमृत प्रताप सिंह अब बताओ क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द अमृत जल्दी बताओ बेटा, समान अर्थ, समानार्थी का सबसे पहले तो तोड़ के शब्दों को तोड़ो, उसके अर्थ बताओ, फिर परिभाषा बताओ। जन्ना पेपर में कोई कोई अनित गलती हो गई रहा, कोई क्यों ना पढ़ ले रहा हो, कर पढ़ना चाहिए। बताओ अमृत। Thank you.